अमदावाद सिविल हॉस्पिटल ना बाळरोग सर्जरी विभाग अने अमेरिका ना बाळरोग अने पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग ना संयुक्त प्रयासे छेल्ला 14 वर्षथी ब्लेडर एस्ट्रोफी वर्कशॉप नुं आयोजन करवामां आवे छे। कोरोना काळ में 2 वर्षथी स्थगित रहेला वर्कशॉप पुनः कार्यरत थयो छे। 7 दिवसीय वर्कशॉप में 22 जेटला बाळकोनी ब्लेडर एस्ट्रोफी सर्जरी सफलतापूर्वक करवामां आवी छे। आ प्रकारनी सर्जरी तबीबी जगत में अत्यंत जटिल मानवामां आवे छे। एक बाळक की सर्जरी 8-10 कलाक चालती हो। अमेरिका की चिल्ड्रन हॉस्पिटल अफीला डेल्फिया थी आवेली डॉक्टर्स की टीम और अमदावाद सिविल हॉस्पिटल बाळरोग सर्जरी विभाग निशान डॉक्टर सहियारा प्रयास से आ प्रकार वर्कशॉप योजाय। अत्यार सुधी में आ वर्कशॉप अंतर्गत 150 बाळकों की सफलतापूर्वक सर्जरी कर स्वस्थ जीवन प्रदान कर। पेशाबनी कोथळी शरीरनी बहार होय अने शरीरनो नीचेनो विभाग बराबर बंद ना थयो होय एनी एना माटे जे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होय छे તે કરવા માટે અમે સાથે આ પાર્ટનરશીપમાં ઉતર્યા છે। ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે જે આપણને ફેસિલિટી આપી છે હોસ્પિટલને ડિપાર્ટમેન્ટને અને એ ફેસિલિટી સાથે એવા ડેડિકેટેડ વ્યક્તિઓ અને અમેરિકાની અમેરિકાથી આવતી ટીમ પણ એટલી ડેડિકેટેડ અને સિન્સિયર છે જેથી કરીને આ 14 વર્ષ સુધીનો અમે નાતો જાળવી શક્યા છીએ। અને હવે વાત કોંગ્રેસના ડરની। गुजरात विधानसभा की चूंटणी पहला मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। राजस्थान कांग्रेस धारासभ्य कर्युं छे ट्वीट जेमां गुजरात कांग्रेस तूटवानो राजस्थान कांग्रेस डर होवानुं जणाववामां आव्युं छे। गुजरात कांग्रेस 10 धारासभ्यो पर भाजपनी नजर होवानुं कांग्रेसना धारासभ्य राजस्थानथी संयम लोढ़ा द्वारा कहेवामां आव्युं छे। तेओए कह्युं छे के संयम लोढ़ा तेमनुं कहेवुं छे के गुजरात कांग्रेसमां भंगाण थवानी आशंका छे। राजस्थान कांग्रेसना सिरोहीना धारासभ्य छे संयम लोढ़ा તેમનું કહેવું છે કે એક તરફ જ્યાં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે ભાજપ કોંગ્રેસના 10 ધારાસભ્યોને તોડી શકે છે। તો રાજસ્થાન કોંગ્રેસ એમએલએના ટ્વીટ બાદ ભારે ગરમાવો આવી ગયો છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના 10 ધારાસભ્યો પર ભાજપની નજર છે। આખરે ગુજરાત કોંગ્રેસના એ 10 ધારાસભ્યો કોણ હોઈ શકે? તો હાલના કોંગ્રેસના 65 એમએલએ પૈકી એ 10 એમએલએ કોણ કોણ છે? 2017 થી અત્યાર સુધી 15 ધારાસભ્યએ કોંગ્રેસ છોડી છે ત્યારે હવે અન્ય કયા 10 ધારાસભ્યો હોઈ શકે છે જેના પર સંયમ લોઢાએ શંકાની સોય સેવી છે? गुजरात की सीमा पर बैठे हुए हैं, कई जानकारी हमको मिलती रहती है। मैंने गुजरात के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको एक महीने पहले विधानसभा में बता दिया था और मैं चाहता हूं कि नुकसान न हो, पार्टी सतर्क रहे, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी विचारधारा के खिलाफ सब एकजुट होकर के लड़े। सरकारें तेज करने की जरूरत नहीं है, मजबूती से लोगों के हक में इस जन विरोधी पार्टी का मुकाबला करने की जरूरत है।